सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस, ये प्रॉपर वीडियो क्लो एंड सेटिंग के बारे में होना है। जी गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फिंगर यहाँ पे बेस्ट है, 5 फिंगर, 4 फिंगर, 3 फिंगर या फिर 2 फिंगर यहाँ पे। और गाइस, यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपको गेम प्ले काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मैक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना ताकि वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिल रहे यहाँ पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा क्लो आपके लिए बेस्ट रहेगा जिससे आपका गेम प्ले काफी हद तक यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि कोई भी क्लो आपके लिए बेस्ट नहीं और कोई भी क्लो यहाँ पे खराब नहीं आपके लिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप उस क्लो को कितना मास्टर कर पाते हो अपने से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे गाइस। और मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि कौन सा क्लो आप अभी बेस्ट रहेगा, मतलब मेरे साइड से अगर बोला जाए तो। गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो सब क्लो अपने आप में ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अगर मोमेंट के हिसाब से बोले कि आपको अगर रिफ्लेक्स दिखाना है, मतलब क्लासिक प्लेयर बनना है, तो उसके लिए गाइस आपके लिए 5 फिंगर बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और वही हम बात करें गाइस, यहाँ पे अगर जो कस्टम प्लेयर होते हैं, T1 कस्टम प्लेयर, वो लोग देखना कि भाई उतना मोमेंट नहीं देते जितना क्लासिक प्लेयर देते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत धीरे धीरे मोमेंट देते हैं, मानता हूँ जोनाथन थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, बट गाइस यहाँ पे उसका भी थोड़ा मोमेंट देखना, उतना फास्ट नहीं मोमेंट उसका, ठीक है। तो गाइस, वो लोग 2 फिंगर में खेलते, क्यों खेलते, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। अगर आप स्कोपिंग करके भाई कोई बंदा को टेकडाउन भी करते हो, मतलब स्प्रे में, तो देखना उसका जो स्प्रे है भाई करेक्ट जाता है यहाँ पे, ठीक है। वही बात करें 5 फिंगर की, तो 5 फिंगर में गाइस कोई टक्कर करनी है, मतलब 2 फिंगर भी नहीं है, 3 फिंगर भी नहीं है, 4 फिंगर भी नहीं, 5 फिंगर बहुत बेस्ट है, मतलब रिफ्लेक्सेस के लिए और बहुत सारी चीज़ के लिए। जैसे कि गाइस उसमें देखोगे आप, बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंट होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 2 फिंगर में क्या बोलते हैं आपका मोमेंट फास्ट नहीं हो पाएगा, वो डिपेंड करता है आप पे, मैंने बोला भी वो चीज़, ठीक है, कि आप कितना मास्टर कर पाते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे कि जोनाथन, वो अपने हिसाब से अपना जो मोमेंट है वो सही कर लेता है, तो वो डिपेंड करता है आपके, आप पे 2 फिंगर में शिफ्ट करके अपना जो मोमेंट है वो सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 फिंगर में क्या होता है गाइस कि एक ही साथ आप सब कुछ कर सकते हो, बैठ भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, स्कोपिंग कर सकते हो यहाँ से, फायरिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और साथ में अगर पी करना चाहते हो पी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है आप। तो ये चीज़ होता है वहाँ पे। और 2 फिंगर में क्या होता है कि आपको टैप टैप करना पड़ता है, तो दोनों में ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। और स्प्रे की बात करें तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपका जो 5 फिंगर में स्प्रे गंदा हो जाएगा यहाँ पे या फिर एक्यूरेसी नहीं बनेगा, उस पर भी बनेगा, बट आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर आप 2 फिंगर खेलते हो ना, और 2 फिंगर में अगर थंब्स या फायरिंग करते हो, जिसमें आपका ज़्यादा हेल्थ लगेगा, ये चीज़ आपने ट्राई नहीं किया, तो जाओ ट्रेनिंग मोड में फिर ट्राई करो आप, ठीक, क्योंकि भाई देखा हो आपने, बहुत सारा बंदा जो 5 फिंगर खेलता है उसका भी जो एक फायरिंग बटन होती है वो थंब के पास होती है, क्यों होती है, बहुत बंदे सोचते हैं कि DMR या फिर मतलब मिनी चलाने के लिए है, मिनी या फिर SK चलाने के लिए, बट गाइज वहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट लेने से भी बहुत बंदे अपना जो थंब है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइज उससे हेड कनेक्ट होता है, ठीक है। क्लोज रेंज में गाइज थंब से अगर आप फायरिंग करते हो तो चांसेस रहता है कि आप यहाँ पे विन कर सकते हो गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो सारे बंदे यहाँ पे क्लोज रेंज में थंब फायरिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप वीडियो कॉल का स्किप मत करना, मैं यहाँ पे आपको क्लो दिखाऊंगा पहले, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें से आप सोच रहे हो मैंने 3rd में मैंने क्यों रखा है। तो गाइज यहाँ पे बहुत बंदे कन्फ्यूजन में है, तो मैं आपको बता दूँ गाइज 3rd में क्या होता है ना कि आपका जो जॉयस्टिक गाइज यहाँ पे जॉयस्टिक, ठीक है, वो फिक्स एक जगह पे, अगर जॉयस्टिक के अलावा किधर भी आप टच करोगे तो पूरा स्क्रीन आपको घूम जाएगा। और इस पे फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि आपका जो जॉयस्टिक कभी स्टक नहीं होगा। बहुत बंदे के यहाँ पे जॉयस्टिक स्टक होता है, मतलब होता ना कि मोमेंट कर रहा अचानक रुक गया बंदे के सामने, वो चीज यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपको खेलना है और मास्टर करना है तो आपको 3rd में आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आप पहले भी कर सकते हो, बहुत बंदे पहले भी खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो करना, और आपको अगर देखना है कि मैंने जो क्लो रखा, अगर मेरा क्लो आपको सेट करना है तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो आईफोन 12 मेरा, तो इसीलिए हल्का सा अगर आप मेरा कोड कॉपी करते हो तो आपका जो स्क्रीन पे थोड़ा छोटा पड़ेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाएगा क्लो आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप देख लो कि मैंने कहाँ पे क्या रखा है, और उसके बाद मैं आपको कोड ही बताऊंगा, तो कोड से भी आप जाके अप्लाई कर लेना, आपका वहाँ पे हो जाएगा, फिर आप हल्का फुल्का मोमेंट करके फिर अपना जो क्लो है उसको सेव कर लेना आप, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा कोड जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कोड क्या है, तो मेरा भी यहाँ पे दोस्तों मेरा कोड ये है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे अपना जो क्लो है सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इजीली स्क्रीनशॉट मार के। तो ये तो हो गया क्लो सेटिंग के बाद, अब हम बात करते हैं कि आप गेम प्ले यहाँ पे इंप्रूव कैसे होगा। जी हाँ गाइज, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरा क्लो यहाँ पे कॉपी कर रहे हो तो गाइज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई आपने क्लो कॉपी कर लिया और एक दो मैच खेला, भाई क्लासिक तो बिल्कुल नहीं खेलना आपको यहाँ पे, मैं आपको पहले बताऊंगा, क्लासिक या TDM आपको तो बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि भाई वहाँ पे 3-4 बंदे ऐसे रहेंगे ना जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, क्या चुतिया खेल रहा है ये, वो भाई मार नहीं पा रहा है, कितना नूब है, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप भाई बोलोगे भाई क्या मतलब क्लो में सेट कर लिया मैं, इससे मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ, इससे तेरे तो मार पा रहा था मैं। तो बस वही चीज़ है गाइस, डिमोटिवेट मत होना, आप ट्रेनिंग मोड में आना भाई, खेलना ही मत, 1 वीक तक आप खेलना ही मत, प्रैक्टिस करना भाई, और अपने तरफ से जितना पाए ना भाई 100% देना आप, ठीक है, तभी आपका जो गेम प्ले है भाई काफ़ी हद तक यहाँ पे इंप्रूव होगा, और भाई वो आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे बंदे बोलते हैं मैं ट्रेनिंग तो करता हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, बट भाई आप एक बार ट्रेनिंग तो करो, बट धीरे धीरे आपको खुद समझ
में आ जाए कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, फिर आपका जो मास्टर हो जाएगा भाई धीरे धीरे, मुझे पता है ये चीज़। क्योंकि आप देखना जोनाथन वगैरह भी जो होते हैं ना भाई, वो लोग अभी अगर कस्टमर वगैरह खेलने आते हैं तो वो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इतने अच्छे प्लेयर हैं फिर भी वो लोग प्रैक्टिस करते ही यहाँ पे। आपने देखा होगा कि अगर वो T1 खेलने आते हैं या फिर कुछ भी खेलने आते हैं तो वो लोग TDM या फिर TDM तो नहीं बोलूँगा भाई, मैं ट्रेनिंग मोड में, वो लोग ट्रेनिंग मोड में मैंने घुसे देखा वो लोग को, ठीक है। तो वो लोग ट्रेनिंग भी करते हैं फिर जाते हैं वो लोग खेलने के लिए, समझे क्या। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करो यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग में यहाँ पे। और अगर आपने 5 फिंगर किया तो बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, क्योंकि 5 फिंगर का वहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब जो अगला वाला जो बंदा है वो उतना उसके पास एडवांटेज नहीं जितना आपका एडवांटेज रहेगा। आप लेट भी सकते हो, उड़ भी सकते हो, फायरिंग कर सकते हो, समझ रहे हो वो चीज़। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है एम। एम को आपको ध्यान रखना गाइस, अगर आपका एम ही सही नहीं रहेगा तो भाई कोई फायदा नहीं आपको मोमेंट देखे, इतना मोमेंट देखे क्या फायदा जब आपका एम ही सही नहीं रहेगा। इसीलिए आपका एम को भाई मैं इसके लिए आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लो बता दिया कि क्लो आपको कौन सा रखना है, बस आपको इस पर प्रैक्टिस करना। अगर आपको एम के लिए वीडियो चाहिए या फिर ड्रिल की वीडियो चाहिए तो भाई मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, समझ रहे हो भाई। मतलब मैंने सेंसी की वीडियो बनाई दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे क्लो की वीडियो बनाई दिया, अभी यहाँ पे एम की वीडियो आएगी, फिर भी बहुत सारी वीडियो आएगी यहाँ पे गाइस, समझ गए, ड्रिल की वीडियो आएगी। तो उसके लिए गाइस मैक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत गाइस यहाँ पे, ठीक है भाई। जितना मैं हो सके ना मैं अपने तरफ से फुल आप लोग का यहाँ पे मतलब ड्रिल देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हो सके तो गाइस अगर आपको मेरा ड्रिल पसंद आया तो मैं आपको जोनाथन का भी ड्रिल दूंगा, यहाँ पे सेनेक्स का भी ड्रिल दूंगा, बहुत सारा यहाँ पे वीडियो आने वाला है। तो भाई मैं सर दिल से बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लगा जाए, ठीक है। और एक चीज गाइस अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई भी क्लो यहाँ पे खराब नहीं है, ठीक है। 2 फिंगर हो गया, 3 फिंगर हो गया, 4 फिंगर हो गया और 5 फिंगर, सबको अपनी जगह बेस्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मास्टर कर पाते हो। क्योंकि भाई यहाँ पे जोनाथन भी 2 फिंगर खेलता है यहाँ पे, बट उसने अपने क्लो को अपने हिसाब से समझा कि मेरे को कैसे रखना चाहिए, समझे क्या। तो इस वजह से बट उसका 2 फिंगर ही उसको कहलाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे देख लो, सिनेक्स 4 फिंगर खेलता है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे अच्छे बंदे देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गूगल पापा को जानते होंगे यहाँ पे, उसका भी गेम प्ले सही है, तो वो भी यहाँ पे कितना खेलता है, 3 फिंगर खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोलोरस की बात करें, सोलोरस भी यहाँ पे 5 फिंगर खेलते हैं। तो सब अपनी जगह बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। बस मास्टर करने पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मास्टर कर पाते हैं यहाँ पे। तो बस यही चीज़ गाइस यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ गाइस यहाँ पर आपको बताया कि मेरे चैनल पे ऑल टाइप की वीडियो आती है भाई, यहाँ पे ड्रिल की वीडियो आती है, सेंसिंग की वीडियो आती है, और यहाँ पे BGMI ग्लिच की वीडियो आती है, और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी BGMI में, मतलब जो आपका जॉयस्टिक स्टक होना होता है या फिर मतलब जायरो में डिले होना, यहाँ पे जो भी होता है मैं सबके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैक्स चैनल सब्सक्राइब करना है और मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। I'm